अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। तो हम इस चैप्टर में हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में? हम हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन की अक्रेंस पढ़ेंगे, हाइड्रोजन की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल पे डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स और हाइड्रोजन के यूजेस और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ठीक है? ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलें सबसे पहले हम हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन करते हैं कि हाइड्रोजन है क्या। आपको पता है हाइड्रोजन एक गैस है और दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस मानी जाती है। दुनिया की सबसे जो लाइटेस्ट गैस है वो हाइड्रोजन को माना जाता है, ठीक। सिर्फ गैस में से लाइटेस्ट नहीं है, 118 एलिमेंट्स में, इन सब में से जो लाइटेस्ट एलिमेंट्स है वो भी हाइड्रोजन को माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है? तो हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन, तो इट इज़ अ लाइटेस्ट गैस, दुनिया की सबसे लाइटेस्ट गैस है, ठीक है? और आपको पता है ये हाइड्रोजन गैस किसने डिस्कवर की? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश। हाइड्रोजन गैस को कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था। कब किया था? 1866 के अंदर। कैसे किया था? तो चलें हम इस पे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, 1866 के अंदर कैवेंडिश ने क्या किया, एक कंटेनर उठाया और उस कंटेनर के अंदर कैवेंडिश ने क्या किया, उस कंटेनर के अंदर क्या डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन उठाया उसमें। इस तरीके से डाइल्यूट सोल्यूशन उठाया, यहाँ पर यह HCl का सोल्यूशन उठाया। फिर क्या किया कैविंडिश ने, क्या किया इस डाइल्यूट HCl के सोल्यूशन के अंदर क्या एक मेटल का टुकड़ा डाला, जिंक मेटल। जैसे ही जिंक मेटल का टुकड़ा इसमें डाल दिया, इसमें ऐड कर दिया, जैसे ही वो जिंक का टुकड़ा इसमें ऐड करता है तो कैविंडिश देखता है कि जैसे ही जिंक HCl के साथ मिलता है तो इसमें से कुछ गैस निकलती है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं बाहर। तो कैविंडिश कहता है कि ये जो गैस निकल रही है, इस जब जिंक HCl के साथ मिल रहा है तो इनके मिलने से कुछ गैस निकल रही है। अब ये गैस कौन सी है, इस गैस की क्या खासियतें हैं? तो कैविंडिश इस गैस की खासियतें चेक करने के लिए इस गैस को क्या करता है, आग लगाता है। जैसे ही वो आग लगाता है तो ये जो गैस निकलती है वो उस आग को कैच करती है और जलना शुरू हो जाती है। तो पता चलता है कि ये जो गैस निकल रही है जिंक और HCl के मिलने से, वो गैस उसके अंदर जलने की सलाहियत है। तो उसके अंदर जलने की सलाहियत होने की वजह से तो कैविंडिश उस गैस को उस वक्त क्या नाम देता है, उसे इनफ्लेमेबल एयर कहता है। तो कहता है कि जिंक और HCl के मिलने से एक इनफ्लेमेबल एयर, मतलब एक जलने वाली गैस रिलीज हो रही है, निकल रही है। तो उस वक्त कैविंडिश इस गैस को नाम क्या देता है, इनफ्लेम। तो हाइड्रोजन का जो पहले नाम था वो इनफ्लेमेबल एयर था, फिर आगे चल के लेवो इजियर इस गैस को हाइड्रोजन गैस नाम देता है, वो उसकी प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर, वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि कैविंडिश ने इस तरीके से इसे डिस्कवर किया था। क्या किया था? बाय द एक्शन ऑफ जिंक मेटल। तो इन्होंने जिंक का मेटल का टुकड़ा उठाया और डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड के ऊपर ऐड किया। जैसे ही वो ऐड करता है तो ये गैस निकलती है और उस गैस को जब आग लगाई जाती है तो ये गैस फायर को कैच करके जल जाती है और जलने के बाद ये ब्लू कलर की फ्लेम पैदा करती है। और इस जलने की खासियत की वजह से कैविंडिश इस गैस का नाम क्या, इनफ्लेमेबल एयर देता है। क्या ना, तो मैंने लिखा है अर्लियर इट वॉज कॉल्ड इनफ्लेमेबल एयर। पहले पहले इस गैस को इनफ्लेमेबल एयर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? ड्यू टू इट्स कंबस्टन प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर जलने की सलाहियत थी, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता था, इनफ्लेमेबल एयर कहा जाता। इस इनफ्लेमेबल का मतलब आप ये मत समझिएगा, इस इन का मतलब नो नहीं होता। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, इनफ्लेमेबल कहते हैं जो नहीं जले, जिसके अंदर कंबस्टन की सलाहियत ना हो, ऐसा नहीं है। इनफ्लेमेबल कहते हैं फ्लेमेबल को ही, बस ये कि इनफ्लेमेबल ओल्ड वर्ड है और फ्लेमेबल उसका नया है, ठीक है? जो नहीं जलते हैं, जिनके अंदर कंबस्टन खासियत नहीं होती, हम उन्हें नॉन फ्लेमेबल कहते हैं।
तो जिनके अंदर जलने की सलाहियत नहीं होती उसे नॉन फ्लेमेबल कहा जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इनफ्लेमेबल मीन्स ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर जलने की, आप इसे फ्लेमेबल भी लिख सकते हो, बस पहले इनफ्लेमेबल कहा जाता था अब इसे फ्लेमेबल कहते हैं। वो इसी कन्फ्यूजन की वजह से कि लोग इनको नो समझते थे, नो का सेंस देते थे, इसलिए साइंटिस्ट ने इनको हटा के अब हम इसे फ्लेमेबल कहते हैं, लेकिन पहले इनफ्लेमेबल कहा जाता था। बात वो ही है, इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल एक ही बात है। जिसके अंदर कंबस्शन सलाइट, जलने की सलाइट होती है, हम उसे फ्लेमेबल या इनफ्लेम, हाँ जो नहीं जलते हम उन्हें नॉन फ्लेमेबल। तो इस गैस के अंदर जलने की सलाइट थी तो इसका नाम पड़ गया इनफ्लेमेबल एयर, जलने वाली गैस, ठीक है। तो इसी तरह उसका नाम इनफ्लेमेबल एयर पड़ गया जलने की वजह से। ये कैवेंडिश ने उसका नाम रखा था सबसे पहले जब डिस्कवर किया था, ठीक है, 1866 के अंदर। अच्छा, फिर आगे चल के साइंटिस्ट ने इस जिंक और HCl की इक्वेशन बनाई कि जिंक HCl के साथ मिलके ये हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस करता है। तो फिर आगे चल के साइंटिस्ट ने इसकी इक्वेशन ये बनाई, कहा कि ये जो जिंक है ये जब HCl के साथ मिलता है तो इस HCl के क्लोरीन ले लेता है और जिंक क्लोराइड बना लेता है, बाकी जो हाइड्रोजन होते हैं ना वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में अलग हो जाते हैं। तो ये इक्वेशन बनाई जाती है कि जिंक HCl के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड और जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो अलग हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस इमिट होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअली कुछ टाइम के बाद इस गैस को हाइड्रोजन नाम दिया जाता है। तो इस गैस को जो हाइड्रोजन नाम देता है वो कौन सा केमिस्ट है जो इसको हाइड्रोजन, मैंने लिखा द नेम हाइड्रोजन टू इट, इस गैस को जो हाइड्रोजन नाम देता है वो कौन प्रपोज करता है, लेवोइजियर। लेवोइजियर एक ऐसा केमिस्ट है जो इस गैस को क्या नाम देता है, हाइड्रोजन रखा। अब सवाल ये कि इसको हाइड्रोजन क्यों नाम दिया। एक्चुअली लेवोइजियर ने कहा बेसिकली लेवोइजियर का कहना है कि ये जो गैस थी ना, ये जो हाइड्रोजन, ये जो गैस है ना, कहा कि ये वो गैस है कि जब इस हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं, कहा कि जब इस गैस को जलाते हैं तो जब ये जलती है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाती है, ये वाटर प्रोड्यूस करती है। तो लेवोइजियर ने ऑब्जर्व किया, देखा कि जब ये वाली जब गैस जलती है ऑक्सीजन के साथ तो जलने के दौरान क्या करती है कि ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और मिलकर वाटर भी बनाती है और बहुत सारी आग भी प्रोड्यूस करती है। तो लेवोइजियर ने कहा ये वो गैस है जलने के दौरान वाटर प्रोड्यूस करती है, तो इसके अंदर वाटर बनाने की सलाहियत है। तो इसी वाटर बनाने की सलाहियत के बुनियाद पर लेवोइजियर इस गैस को क्या नाम देता है, हाइड्रोजन। क्या नाम देता है, हाइड्रो। तो हाइड्रोजन दो लफ्जों से मिल गया, एक हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, जन लफ्ज लिया गया है जिनॉन से और जिनॉन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, तो वाटर प्रोड्यूसर गैस। तो ऐसी गैस जो वाटर प्रोड्यूस करती है इसी वजह से इसका नाम पड़ गया हाइड्रोजन, माना ऐसी गैस जो जलने के दौरान वाटर प्रोड्यूस करे, जिसके अंदर वाटर प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी हो, सलाहियत हो, हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन नाम दिया गया। तो इस गैस में ये थी, तो जिस मैंने लिखा है ना कि इसका नाम हाइड्रोजन कौन लेवोइजियर प्रपोज करता है, क्यों, ड्यू टू इट्स वाटर प्रोड्यूसिंग या वाटर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। तो इस गैस के अंदर वाटर बनाने की सलाह, तो जब ये गैस जलती है तो जलने के दौरान ऑक्सीजन के साथ मिलती है और मिलकर वाटर प्रोड्यूस करती है, तो वाटर प्रोड्यूस करने की सलाहियत की वजह से इसका नाम पड़ जाता है हाइड्रोजन, वाटर प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। एक्चुअली हाइड्रोजन के बारे में आपको बताएं, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये सबसे पहला एलिमेंट है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। और आपको ये भी पता है हाइड्रोजन दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर भी 1 होता है। और आपको ये भी पता है कि एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन भी एक है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है, और दुनिया का ये वाहिद एटम है हाइड्रोजन जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ये हाइड्रोजन, मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ जो इसका आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन वो एटम है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, और जिस एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता हम उसे न्यूट्रॉन फ्री एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन फ्री एटम। तो हाइड्रोजन इज अ न्यूट्रॉन फ्री एटम, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक्चुअली दूसरी,
हाइड्रोजन एग्जिस्ट, हाइड्रोजन का रहने का स्टाइल कैसा होता है, हाइड्रोजन किस स्टेट में किस हालत में रहता है। आपको पता है हाइड्रोजन का जो एटम है ना वो अकेला नहीं रहता, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, डाई एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। तो मैंने लिखा है इट एग्जिस्ट, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती है, मीन्स H2 की फॉर्म में रहती है। तो हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में, वो भी डाई। पूछा जाता है हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटॉमिक फॉर्म में, मोनोएटॉमिक या ट्राई, तो आप क्या कहेंगे, डायटॉमिक फॉर्म में। ऑक्सीजन डायटॉमिक फॉर्म में भी रहती है, O2 की फॉर्म में भी, और ऑक्सीजन O3 के फॉर्म में भी रहती है, ट्राईटॉमिक फॉर्म में भी रहती है। ठीक है, तो चलें ये था इनका इंट्रोडक्शन, अब आते हैं इनकी अकरेंस। हाइड्रोजन की अकरेंस क्या है, हाइड्रोजन कहां कहां पाई जाती है और कितनी कितनी क्वांटिटी मिकदार में पाई जाती है, हम उसे अकरेंस कहते हैं, और किस हालत में पाई जाती है, इज कॉल्ड द अकरेंस। आपको पता है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन। 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट में से जो सबसे ज्यादा यूनिवर्स के अंदर पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। याद रखो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स, क्यों, क्योंकि 70%, आपको पता है 70% ऑफ द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रोजन। 70% जो यूनिवर्स की चीज़ें हैं वो लार्जली किसकी, हाइड्रोजन की बनी हुई है, जैसे सन, ये जो सूरज है, एंड अदर स्टार, और जो दूसरे स्टार्स है ये लार्जली हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं। तो सूरज और जो दूसरे स्टार्स है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, और आपको पता है कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे स्टार्स है और इतना बड़ा सन है, और आपको पता है वहाँ पर बहुत सारी हाइड्रोजन गैस है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स में हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस यूनिवर्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट है, और 70% आपकी यूनिवर्स हाइड्रोजन गैस से भरी पड़ी है। ठीक है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस की अगर हम बात करें अर्थ पर, तो अब मुझे बताएं जमीन पर हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। याद रखो हाइड्रोजन गैस अर्थ पर मिलती है लेकिन कंबाइन स्टेट में मिलती है, फ्री नेचर में मिलती है लेकिन बहुत कम, नेग्लिजिबल मिलती है। तो याद रखो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन गैस अर्थ पर फ्री स्टेट में थोड़ी सी मिलती है, ना होने के बराबर मिलती है, नेग्लिजिबल मिलती है फ्री नेचर में। ठीक है, हाँ मिलती है ज़मीन पर लेकिन कंबाइन स्टेट में, कंपाउंड की फॉर्म में मिलती है, कभी ऑक्सीजन के साथ मिली हुई होगी वाटर के फॉर्म में, हाइड्रोजन के साथ, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अमोनिया में, और कार्बन के साथ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर होती है। तो ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस ज़मीन पर कंबाइन स्टेट में कंपाउंड की फॉर्म में होती है, लेकिन फ्री स्टेट में बहुत कम मिलती है यहाँ पर नेचुरली। तो मैंने लिखा है इट इज़ फाउंड नेग्लिजिबल क्वांटिटी इन फ्री स्टेट इन नेचर, तो नेचुरली हमें फ्री स्टेट में बहुत कम मिलती है। हाँ बट अकर्स, हमें मिलती है इन द कंबाइन स्टेट, तो कंबाइन स्टेट में हमें ये मिलती है, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ, अमोनिया में किसके साथ होती है, नाइट्रोजन के साथ, और जो हाइड्रोकार्बन्स बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन कार्बन के साथ होते हैं। तो ज़्यादातर के ये जो है वो कंबाइन स्टेट में होती है, कंपाउंड की फॉर्म में, फ्री नेचर में बहुत कम मिलती है अर्थ पर। ठीक है, लेकिन एक बात बताएं, हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस अर्थ पर फ्री नेचर में नेचुरली बहुत कम मिलती है, लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस की हमें अकेले में ज़रूरत है, हमें हाइड्रोजन गैस फ्री नेचर में चाहिए, तो फिर हम कहाँ से लाएंगे, हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोजन गैस को हम तैयार करते हैं, बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, लेबोरेटरी में भी बनाते हैं और इंडस्ट्री में भी बनाते हैं। आपको पता है लेबोरेटरी में बनाना और इंडस्ट्री में बनाने का मेथड अलग अलग होता है और अलग अलग चीज़ों से हम बनाते हैं, तो चले हम उसी पर ही डिस्कस करते हैं कि लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस किन चीज़ों में से और कैसे बनाई जाती है और इंडस्ट्री में कैसे बनाई जाती है, हम इन पर डिस्कस करते हैं। तो चले सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, नंबर ए लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी में हम हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं। आपको पता है लेबोरेटरी में जो हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है वो स्पेशली मेटलों में से बनाई जाती है, किन में से, मेटलों। अब मेटलों में से कैसे बनाते हैं लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस, मेटलों के साथ एसिड या बेस या वाटर, इनमें से कोई मेटल के साथ मिला के हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। तो तीन तरीके हैं लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस बनाने के। नंबर वन कि मेटल के साथ एसिड मिला के भी बनाते हैं। नंबर टू कि हम मेटल के साथ बेस मिला के भी बनाते हैं। नंबर थ्री क्या हम मेटल के साथ वाटर मिला के भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। लेकिन हमें कब क्या चीज़ मिलानी है वो डिपेंड करता है कि आप जो मेटल उठा रहे हैं वो किस नेचर का है। वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का है तो आप उसके साथ वाटर मिला के ही बना सकते हैं। अगर मेटल कम रिएक्टिव है तो फिर आप उसके साथ क्या करेंगे, आप उसके साथ एसिड और बेस मिला के ही बनाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आगे जो आप मेटल यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए उसकी नेचर क्या है, मोर रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव है तो वाटर मिला के ही बना सकते हैं, कम रिएक्टिव है तो फिर एसिड और बेस यूज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस पर। तो चलिए तीन तरीके हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाने के लेबोरेटरी में। नंबर वन सबसे पहला बाय एसिड ओवर मेटल, मेटल के साथ एसिड मिला के बनाते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, ये जिंक मेटल है, ये HCl एसिड है। हम क्या करेंगे, जिंक और HCl को जब मिलाएंगे तो ये जिंक क्या करेगा, इस HCl से क्लोरीन ले लेगा और जिंक क्लोरीन लेके क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड सॉल्ट बना लेगा। बाकी यहाँ जो हाइड्रोजन एटम बचेंगे वो आपस में मिलके अलग से हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और ये गैस अलग हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरे मेटल को एसिड के साथ भी मिला के बना सकते हैं। किस तरह, ये आपके सामने एल्यूमिनियम मेटल है और यहाँ पे कौन सा एसिड है, HCl एसिड है। अगर हम एल्यूमिनियम को HCl के साथ मिलाएंगे तो यहाँ HCl कितने, सिक्स, तो सिक्स क्लोरीन है यहाँ पर और दो एल्यूमिनियम। आपको ये भी पता है एक एल्यूमिनियम तीन क्लोरीन लेगा, दूसरा एल्यूमिनियम भी तीन क्लोरीन लेगा। इसी तरह क्या करेगा, दो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया जाएगा। इसी तरह जैसे ही दो एल्यूमिनियम HCl के साथ मिलाएंगे तो यहाँ से तीन क्लोरीन एक एल्यूमिनियम के साथ मिलेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो तीन दूसरे क्लोरीन दूसरे एल्यूमिनियम के साथ मिलके दो एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां पर जो हाइड्रोजन सिक्स बचेंगे वो आपस में दो दो मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस के तीन मॉलिक्यूल बना के अलग हो जाएंगे। इसी तरह आपकी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट अलग हो जाएगा। सेम तीसरा भी मेथड है और ये भी कॉमन इस्तेमाल होता है लेबोरेटरी के अंदर। हम हाइड्रोजन गैस जिंक मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड को भी इन दोनों को मिला के भी बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरह, जिंक के साथ अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो जिंक के साथ मिलेगा और सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ जैसे ही मिलेगा तो इसका सल्फेट हिस्सा जिंक के साथ मिलके क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाए। तो इसी तरह हम हाइड्रोजन गैस ये प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड यह है कि बाय बेस ओवर मेटल, मेटल के साथ हम बेस मिला के भी बना सकते हैं। कैसे, एग्जांपल ये जिंक मेटल है, अगर आप जिंक के साथ क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इट इज अ अल्कली, इसको हम अल्कली भी कहते हैं। तो ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में उठाएंगे और जिंक के साथ मिलाएंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कैसे, चले मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो यहाँ कितने सोडियम हाइड्रो दो है, तो दो सोडियम है, दो ऑक्सीजन है, तो ये दो सोडियम और ये दो ऑक्सीजन, ये दोनों किसके साथ मिलेंगी, ये दोनों जिंक के साथ मिलके क्या बनाएगी, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। और यहां जो दो हाइड्रोजन बचेंगे वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगी। तो इसी तरह सोडियम जिंकेट सॉल्ट है और ये आपका क्या है, सोडियम जिंक के साथ आपका क्या बन गया, ये हाइड्रोजन गैस और दिस वन इज अ सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हम बेस भी मेटल के साथ मिला के बना सकते हैं। तीसरा मेथड, हम मेटल के साथ ना वाटर मिला के बना सकते हैं। अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो आप उसके साथ वाटर ऐड करके भी आप हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे, ये सोडियम है, ये वाटर है, अगर आप सोडियम को वाटर के साथ मिलाएं, ये दो एच टू है, तो इसके दो एच टू हैं, इसके अंदर जो ओ एच हैं दो, ये दो ओ एच किसके साथ मिलेंगे, ये दो सोडियम के साथ मिलके दो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनेंगे। बाकी यहाँ जो दो हाइड्रोजन बचे वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। ठीक है, और ये MCQs पूछा जा सकता है कि मेटल के साथ अगर, तो बताएं कि कौन सी स्पीशीज अगर मेटल के साथ मिलती है तो बेस प्रोड्यूस करती है। एसिड मेटल के साथ मिलता है तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, और अगर बेस मेटल के साथ मिलता है तो भी सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर मेटल के साथ वाटर मिलाया जाए तो क्या, हाइड्रोजन तो गैस बनेगी बनेगी, लेकिन और क्या बनेगा, बेस बनाया जाता है। ठीक है, ये बेस बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये थे
लेबोरेटरी जो मेथड थे हाइड्रोजन गैस बनाने के, तो लेबोरेटरी में हम हाइड्रोजन गैस इन तरीकों से बनाते हैं, ठीक है। तो ये थे मेटल में से बनाते, मेटल के साथ एसिड बेस या वाटर मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ऐड करके बना। लेकिन अब आ जाए नेक्स्ट, हमारा सेकंड पोर्शन है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इंडस्ट्री में हम हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं, क्या इसी मेथड से बनाते हैं? नहीं, लेबोरेटरी में हम अलग तरीके से बनाते हैं और इंडस्ट्री में अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि लेबोरेटरी में जो हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में बनाते हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री में जो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं, मींस कमर्शियल स्केल पर बनाते हैं, मींस इतनी ज़्यादा बनाते हैं कि हम उन्हें सेल भी कर सकें, ठीक है। तो चलें अब इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है और किन चीज़ों में से। क्या सर हाइड्रोजन गैस इंडस्ट्री में भी मेटल से बनाई जाती है? नहीं, क्योंकि मेटल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इनके साथ एसिड बेस मिलाते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस मेटल और एसिड से नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बनाते हैं क्वांटिटी में तो हम ज़्यादातर हम चीपर चीज़ों से बनाते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर हम जो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं सस्ती चीज़ों में से, तो वो कौन सी सस्ती चीज़ें हैं जहाँ से हाइड्रोजन गैस बना? तो हमने यहाँ लिखा है कि इन इंडस्ट्री हाइड्रोजन गैस इज़ मैन्युफैक्चर फ्रॉम, कहाँ कहाँ से बनाते हैं? वाटर से बनाते हैं, वाटर तो आपको पता है बहुत ही सस्ता है, दुनिया का सबसे अच्छा। दूसरे इसके बाद क्या है, फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से भी बनाते हैं, अमोनिया भी सस्ती है एज अ मेटल के मुकाबले में, तो सस्ती है ना, तो अमोनिया से बनाते हैं। और तीसरा नेचुरल गैस मींस मीथेन, तो मीथेन, ये तीन जो सबस्टेंस है जहाँ से हाइड्रोजन गैस तैयार करते हैं। तो इंडस्ट्री में जो हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है वाटर, अमोनिया और नेचुरल गैस मींस मीथेन, इन तीनों में से बनाई जाती है। तो चलें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वाटर से बना, अच्छा हमने कहा कि हम इन वाटर, अमोनिया और मीथेन इनमें से बनाते हैं हाइड्रोजन गैस इंडस्ट्री में, लेकिन डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट प्रोसेस से बनाए जाते हैं, एक प्रोसेस नहीं है, मुख्तलिफ प्रोसेस। जरा सिक्स मेथड, सिक्स प्रोसेस, सिक्स प्रोसेस हैं उनके ज़रिए से हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हर कंट्री में अलग अलग प्रोसेस इस्तेमाल होता है, जिस कंट्री को जो प्रोसेस सस्ता लगता है वो यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो चलिए हम उन सिक्स प्रोसेस पे डिस्कस करते हैं, उन छः वो कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए से हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो नंबर वन, सबसे पहला मेथड है हम वाटर से बनाते हैं, वाटर से भी मुख्तलिफ तरीक़ों से। नंबर वन हम चले, सबसे पहले हम वाटर से बनाते हैं, कौन से प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हम वाटर में से हाइड्रोजन गैस बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम करंट के जरिए से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वो कैसे आपको पता है? मान लो ये वाटर है H2O, हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, तो ये हीट के जरिए से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग नहीं होते, इनके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इनको अलग करने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आएगी तो इस इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो चलिए हम उस पर डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करंट के जरिए से अलग कैसे होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए आपके सामने मैंने एक कंटेनर उठाया है, इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले क्या भरा जाता है? सबसे पहले इस कंटेनर में वाटर भरा जाता है, ये भरा वाटर, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर आपने क्या, वाटर ऐड किया, तो ये वाटर आपने ऐड कर दिया मान लो, ठीक है, ये वाटर ऐड किया। अच्छा फिर उसके बाद ये दो मेटल की प्लेट्स, ये दो मेटल की प्लेट्स इसमें डिप करते हैं, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, और फिर इन दो मेटल की प्लेट के साथ वायर कनेक्ट करते हैं, और फिर वो वायर को क्या, जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज जो बैटरी होती है, हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं। लेफ्ट वाली प्लेट को हम वोल्टेज के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, उसे हम कैथोड कहते हैं। कि जो राइट वाली प्लेट होती है जिसे हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोड प्लेट होती है हम इसे वोल्टेज की कौन से, पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जिस प्लेट को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं वो एनोड कहलाता है। तो ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। इसी तरह और यहाँ पर ये क्या पड़ा हुआ है, ये वाटर पड़ा हुआ है, आपको पता है। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात बता दें, वाटर तो न्यूट्रल होता है ना, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर जो नेट चार्ज होती है वो ज़ीरो होती है।
तो वाटर तो न्यूट्रल है सर, तो वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे अलग होगा, क्योंकि करंट के जरिए से तो आयंस मूव करते हैं, मॉलिक्यूल थोड़ी मूव करेंगे, तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे अलग करें, तो यही हम आपको बताने वाले हैं। आपको पता है जैसे ही करंट ऑन करेंगे, तो करंट ऑन करने के बाद मॉलिक्यूल्स जो प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं प्योर फॉर्म में, वो बहुत कम आयोनाइज होते हैं, बहुत कम आयंस की फॉर्म में होते हैं। तो जब पानी के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं होंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी नहीं बनेगी, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं हो, वो आयन की फॉर्म में सेपरेट हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करना पड़ता है कि जब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं किसमें से, वाटर में से करंट देकर, तो सबसे पहले हम वाटर को आयोनाइज करते हैं, वाटर को आयंस में तब्दील करते हैं। तो वाटर को आयोनाइज कैसे करेंगे, उसको आयोनाइज करने के लिए हम वाटर के साथ सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में ऐड किया जाए और वह वाटर में जाकर आयंस प्रोड्यूस करता है, ऐसा सब्सटेंस विच प्रोड्यूस आयंस इन वाटर, वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाए, आयंस प्रोड्यूस करे, हम उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइट या तो सॉल्ट हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट बेस हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रोलाइट एसिड हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में भी सॉल्ट में भी एसिड में भी बेस, तो आप इलेक्ट्रोलाइट की स्मॉल क्वांटिटी उठाएं और इसमें वाटर में ऐड करेंगे। जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएंगे आयंस में, वो भी वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी आयंस में आयोनाइज हो जाएंगे, और साथ साथ में पानी के मॉलिक्यूल्स को भी आयोनाइज करेंगे। और जब पानी के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएंगे तो पानी के मॉलिक्यूल आयन में तब्दील हो जाएंगे। किस तरह पानी के मॉलिक्यूल आयन में तब्दील हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे पानी में, तो पानी के जो हाइड्रोजन है वो H+ पॉजिटिव की फॉर्म में आयोनाइज हो जाते, तो उसके हाइड्रोजन प्लस हो जाते हैं, केटाइन में तब्दील हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होंगे वो नेगेटिव एनायन की फॉर्म में हो जाएंगे। तो आप जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे उससे क्या होगा, वाटर के ज़्यादा मॉलिक्यूल आयन में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। और तो उनमें से वाटर में से जो हाइड्रोजन होंगे वो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में हो जाएंगे आयोनाइज, और जो ऑक्सीजन होंगे वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आयोनाइज हो जाएंगे। एक बात बताएं, हमने ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से ना वाटर के मॉलिक्यूल आयन में चल, और जब तक वाटर के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं हो तब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी अगर आप करंट देंगे, ठीक है। तो पहले हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को आयंस में तब्दील करते हैं H+ और ऑक्सीजन माइनस में, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि ये मैंने H+ आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है, हकीकत में हाइड्रोजन प्लस अकेला नहीं रहता, वो H3O+ की फॉर्म में रहता है, और ऑक्सीजन आपको पता है OH की फॉर्म में रहता है। तो यहाँ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे सिंपल किया है ताकि आपको समझ में आए। तो हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से वाटर के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए, उनमें से हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन गए, और इन पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, हम इनको केटाइन्स कहते हैं, और ये जो नेगेटिव आयन बन गए हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें एनायंस कहते हैं। तो केटाइन और एनायन बन जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही करंट को ऑन करेंगे, जैसे ही आप करंट को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन से केटाइन है, जो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन्स होते हैं, वो कहाँ मूव करेंगे, वो आपके कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये हाइड्रोजन जैसे ही करंट ऑन करेंगे तो जो केटाइन होंगे हाइड्रोजन आयन, वो मूव करेंगे टुवार्ड कैथोड की तरफ मूव करेंगे। वो क्यों मूव करेंगे, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन प्लस कहाँ जाएगा, ये कैथोड की तरफ आएगा, तो कैथोड इसे इलेक्ट्रॉन देगा, चार्ज देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा कैथोड इसे, तो फिर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा ये न्यूट्रल H, और H अकेला नहीं रह सकता न्यूट्रल की फॉर्म में। इसी तरह फिर एक और हाइड्रोजन का H+ आएगा, फिर एक और हाइड्रोजन प्लस आयन आएगा, वो भी कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। वो भी कैथोड पे जाकर क्या होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और वो भी न्यूट्रल बन जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन के एटम कैथोड पर आते हैं और न्यूट्रल बन जाते हैं। न्यूट्रल बनने के बाद फिर यही हाइड्रोजन के एटम नहीं रह सकते, फिर जैसे ही हाइड्रोजन के एटम न्यूट्रल हो जाता है तो अकेले की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं रह सकते। फिर वो उसी तरह क्या होंगे, हाइड्रोजन के एटम जैसे ही न्यूट्रल हो जाते हैं तो आपस में मिल जाते हैं, और आपस में मिलके क्या बना लेते हैं,
आपस में मिलके ये हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनेगी तो यहाँ से लिब्रेट हो जाएगी, यहाँ पर एक क्या पाइप लगा देंगे और उसके साथ सिलेंडर कनेक्ट कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस बनती जाएगी वो इस पाइप के जरिए से उस सिलेंडर में जमा होती जाएगी, कलेक्ट होती जाएगी। क्लियर है? तो इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस बनती जाएगी और लिब्रेट होती जाएगी और कहाँ, सारी सिलेंडर में कलेक्ट होती जाएगी। इसी तरह उसके साथ हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनना शुरू हो, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, करंट तो चलता रहता है। हाइड्रोजन कहाँ, कैथोड पर प्रोड्यूस होती है, और साथ साथ में जो ऑक्सीजन होते हैं वो नेगेटिव आयन होते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, तो ये ऑक्सीजन के आयन्स कहाँ मूव करते हैं, ये एनोड की तरफ मूव करते हैं। एक ऑक्सीजन पे डबल माइनस चार्ज होती है, एक ऑक्सीजन एनोड पे जाएगा, अपनी दो नेगेटिव चार्ज मीन्स दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है माइनस, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन ये देगा किसको, ये एनोड को, और एनोड को देगा। तो एनोड को ऑक्सीजन जैसे ही अपनी चार्ज डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा ओ की फॉर्म में, और ऑक्सीजन भी अकेला नहीं रह सकता। इसी तरह फिर क्या होगा कि एक और ऑक्सीजन जाएगा, वो भी क्या करेगा, वो भी एनोड पे जाएगा, वो भी अपनी जाकर चार्ज प्रोवाइड करेगा, उसे चार्ज देगा, और ऑक्सीजन का ये भी एटम जाके न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे ही दोनों ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएंगे तो न्यूट्रल होने के बाद ये दोनों ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे ही मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, ये O2 गैस बना लेते हैं, और O2 गैस बनाने के बाद ये भी लिब्रेट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक सिलेंडर पाइप लगा दें जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन भी, तो हाइड्रोजन के साथ साथ क्या ऑक्सीजन भी बन जाए हमने कहा। तो ये कहाँ से आ रहे हैं ऑक्सीजन, ये वाटर से आ रहे हैं, ये पहले वाटर आयोनाइज होता है उसके बाद करंट करते हैं, हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन अलग, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ से दो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी एंट्री टेस्ट के अंदर आते रहते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब पानी से करंट पास करते हैं, तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो बताएं कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हाइड्रोजन जो है वो किस प्लेट पर, किस इलेक्ट्रोड पर प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन किस पे। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होते, तो हाइड्रोजन कहाँ गैस बनती है, कैथोड पर प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन गैस एनोड पर प्रोड्यूस होती है, पहला क्वेश्चन। तो आपको पता है हाइड्रोजन कैथोड पर होती है और ऑक्सीजन कहाँ, एनोड पर प्रोड्यूस होती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो जो केटाइंस होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, केटाइंस पॉजिटिव होते हैं, वो कैथोड नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं, और जो एनाइंस होते हैं नेगेटिव आयन, वो एनोड पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ केटाइन, और एनाइन एनोड की तरफ मूव करते हैं, ये भी स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी जरिए से बने वाटर में से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन अलग, हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगी और ऑक्सीजन एनोड पे बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये दो गैस हम तैयार कर लेंगे, और आपको पता है इस मेथड से, इट इज़ द प्योरेस्ट मेथड, ये बहुत ही प्योरेस्ट मेथड है, माना इस मेथड के दौरान जो आप हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करेंगे वो प्योरेस्ट फॉर्म में हो, उसके साथ इम्प्यूरिटी के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे, ये काफ़ी प्योरेस्ट मेथड है, ठीक है। इससे हम हाइड्रोजन गैस प्योर फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, बट अफसोस इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लार्जली इसमें कंज्यूम होती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। ये प्रोसेस उस मुल्क में, उस कंट्री में सस्ता पड़ेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती हो, जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती हो, तो ये प्रोसेस वहाँ वैलिड होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में सस्ती हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर, पाकिस्तान में तो ये नहीं बन सकती, ठीक है। तो बहरहाल क्योंकि यहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो यहाँ पर तो सोचना भी मत कि यहाँ पे बनेगी, ठीक है। चलें, दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन, दूसरा तरीका है, हम स्टीम और हाइड्रोकार्बन से भी हम बना सकते हैं हाइड्रोजन गैस। वो कैसे सर, आप स्टीम का मतलब है वाटर, वाटर मीन्स गैस की फॉर्म में, बाफ की फॉर्म में, हम क्या करते हैं, क्योंकि स्टीम जो वाटर है ना वो स्टीम की फॉर्म में क्यों यूज़ करते हैं, आपको पता है एक्चुअली स्टीम जो होता है ना वो मोर रिएक्टिव होता है एज अ कम्पेयर वाटर, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये याद रख लेना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं, वाटर की स्टीम, गैसेस लिखा हो ना तो समझे स्टीम है, तो ये स्टीम, और ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन मीन्स मीथेन, हम क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन, मीथेन और स्टीम, इन दोनों को मिला के हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, किसकी मौजूदगी में, निकिल, निकिल इज अ कैटलिस्ट,
सबसे पहले क्या करते हैं, निकिल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। निकिल को 900 सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। जैसे ही निकिल गर्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि जैसे ही ये निकिल गर्म हो जाएगा तो ये निकिल क्या करेगा, इस स्टीम का जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन किसको दे देगा, इस कार्बन को। जैसे ही ये दोनों निकिल के साथ, ये दोनों जब निकिल के ऊपर कलेक्ट होंगी, जैसे ही ये निकिल के ऊपर आएंगी तो निकिल काफ़ी गर्म होता है, हाँ ठीक है। तो क्या होगा कि ये मीथेन जैसे ही इस स्टीम के साथ मिलेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, मीथेन का ये इस स्टीम से, ये कार्बन क्या करेगा, इस स्टीम से ऑक्सीजन लेगा। ये ऑक्सीजन लेगा कार्बन और क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। तो कितने, दो मॉलिक्यूल, ये वो एटम यहाँ से चार, तो तीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम स्टीम और हाइड्रोकार्बन को निकिल के ऊपर ऐड करेंगे तो निकिल इन दोनों को मिलाने में मदद करेगा। कैसी मदद करेगा कि कार्बन जो मीथेन का होगा वो इस स्टीम से ऑक्सीजन छीन लेता है और ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में अलग हो जाता है, और फिर यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस की। इससे क्या, दो प्रोडक्ट बन जाती हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और उसके साथ हाइड्रोजन, तो दो प्रोडक्ट बन रही है मिक्स के, ठीक है। दोनों गैस है और दोनों गैस आपस में मिक्स होती है, और आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, वाटर गैस। और ये बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ विच टाइप ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस के मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैसेस। हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दो को पूछा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम वाटर गैस नाम देते। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टीम और हाइड्रोकार्बन को जब हम निकल से पास करवाते हैं तो क्या बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, मीन्स वाटर गैस प्रोड्यूस होती है। हमें क्या चाहिए, हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही है। तो फिर आगे चल के क्या करते हैं, हम इस हाइड्रोजन गैस को इस कार्बन मोनोऑक्साइड से आगे चल के दो तरीकों से सेपरेट करते हैं, एक बॉश मेथड होता है और दूसरा लिक्विफैक्शन मेथड होता है। इन दोनों तरीकों से हम क्या करते हैं, वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम अलग करते हैं। फिर वो आगे चल के हम अलग कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और प्रोसेस पढ़ाऊं जिसमें वाटर गैस बनती है। तीसरा तरीका क्या है हाइड्रोजन गैस बनाने का, तीसरा तरीका यह है, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, कोयले के साथ स्टीम, कोल के साथ स्टीम मिला के भी हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे, कोल मींस कार्बन, कोल मींस कार्बन, ये कोल कार्बन है, इसको 1000 सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। जब ये कोल 1000 सेंटीग्रेड पे गर्म हो जाता है तो फिर इसके साथ क्या, स्टीम ऐड करते हैं। स्टीम जैसे ही इसके साथ ऐड करेंगे तो ये कोल काफ़ी गर्म होता है 1000 सेंटीग्रेड, जैसे ही स्टीम इसके करीब आएगी तो ये कार्बन क्या करेगा, इस स्टीम से, इस वाटर के मॉलिक्यूल से क्या छीनेगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन छीन लेगा, और ऑक्सीजन छीन कर कार्बन अपने साथ मिला के क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो सिंपली कि जैसे ही कोल के साथ स्टीम मिलेगा तो ये कार्बन जो होगा कोल वाला, ये यहाँ से वाटर से स्टीम से क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, और ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाए, जिससे क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दो गैस बनेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि इन दोनों को मिला के हम वाटर गैस। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी वाटर गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो हाइड्रोजन, लेकिन उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो फिर हम इस हाइड्रोजन को इस कार्बन मोनोऑक्साइड से कैसे सेपरेट करें, उसके दो मेथड है, मैंने लिखा है, हाइड्रोजन इज फर्दर सेपरेटेड, हाइड्रोजन को हम मजीद सेपरेट करते हैं फ्रॉम वाटर गैस में से, बाय द टू मेथड्स, दो मेथड है जिसमें जरिए से हम हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। एक मेथड है बोश मेथड, चलें बोश मेथड से कैसे करते हैं, एक्चुअली बोश मेथड से हम हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड से कैसे सेपरेट करते हैं, ये वाटर गैस है जो वहाँ से आपने बनाए, ये वाटर गैस है। अब इस वाटर गैस में से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकालना है और हाइड्रोजन को अलग करना है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ईजीली हाइड्रोजन से सेपरेट नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में पहले तब्दील करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली हाइड्रोजन से सेपरेट हो जाती है। वो कैसे, चलें हम आपको बताते हैं। एक्चुअली क्या होगा, अब इस वाटर गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को अलग कैसे करें, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को आपको सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं, बॉश मेथड में इस वाटर गैस के साथ एक और स्टीम उठाते हैं,
दूसरी स्टीम उठाएंगे, ठीक है, गैस की फॉर्म, मतलब वाटर गैस की फॉर्म में हम स्टीम उठाएंगे और इन दोनों को मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड। इन दोनों में से कोई भी आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, आयरन ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड 500 सेंटीग्रेड इसको गर्म। तो 500 सेंटीग्रेड क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट है, ये गर्म हो जाएगा। जैसे ही गर्म होगा तो फिर ये क्या करेगा, ये इस स्टीम को इसके साथ मिलाने में मदद करेगा। कैसी मदद करेगा, एक्चुअली क्या होगा कि जैसे ही ये वाटर इसका वाटर जैसे ही ये स्टीम इस वाटर गैस के करीब आएगी तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके पास एक ऑक्सीजन, जैसे ही स्टीम इसके करीब आती है तो ये आयरन ऑक्साइड मदद करता है कि इसका जो ऑक्सीजन होता है स्टीम का वो छीन कर किसको, इस कार्बन में, मीन्स जैसे ही स्टीम इसके करीब आएगी तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, इस स्टीम से एक और ऑक्सीजन लेगा। जैसे ही ऑक्सीजन लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस स्ट्रीम से ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो बनेगी वो हाइड्रोजन भी क्या होगी, इससे अलग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज़ें बन जाएंगी। अभी भी हमने कहा हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसें अभी भी मिक्स है, हमें तो क्या चाहिए, हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो लेकिन उसके साथ अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो फिर हमने कहा अब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाइड्रोजन से अलग कैसे करते हैं, इन दोनों गैस को हम क्या करते हैं, मैं आपको बता, अब इन दोनों गैस को वाटर से पास करवाते हैं, इन दोनों गैस को वाटर के ऊपर ऐड करेंगे और फिर हाई प्रेशर देंगे। जैसे ही हाई प्रेशर देंगे तो हाई प्रेशर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी जो हाइड्रोजन गैस है वो वाटर में एब्जॉर्ब नहीं होती, वो रिमेन गैस फ्री रहेगी, वो गैस की फॉर्म में ऊपर चली जाएगी। मान लो कैसे, सपोज करें ये वाटर है, ये वाटर है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये दो गैस है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और दूसरी ये हाइड्रोजन गैस है। इनके ऊपर हम क्या यूज़ करेंगे, इनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये प्रेशर। यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर पानी होता है, ठीक है, ये पानी है, ये वाटर यूज़ होता है, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही इन दोनों गैस में प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई प्रेशर पे किस में, वो पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, और हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस पानी में एब्जॉर्ब नहीं, वो गैस रिमेन फ्री हो जाएगी वॉल। तो जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस से फ्री होकर वो अलग है, जिससे हाइड्रोजन गैस अलग और कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर, इसीलिए हम दोनों को सेपरेट करते रहते हैं। तो दोनों को पानी के ऊपर प्रेशर देते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस है वो डिजोल्व नहीं होती, वो रिमेन फ्री रहती है, वो गैस की फॉर्म में वापस हम उसे अलग कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर बट हाइड्रोजन रिमेन गैस फ्री हो जाएगी, वो उससे अलग कर देंगे, इसी तरह अलग। तो दूसरा मेथड भी है कि हम इस हाइड्रोजन को किससे, हम इस हाइड्रोजन गैस को कार्बन ऑक्साइड से हम दूसरे लिक्विफेक्शन मेथड से भी अलग करते हैं। लिक्विफेक्शन मेथड से कैसे अलग करते हैं, सिंपली इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो वाटर गैस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, हम इन दोनों गैस को कूल करते हैं, कितने टेंपरेचर, -200 सेंटीग्रेड पे कूल करेंगे। और आपको पता है कि गैसेस को जब कूल किया जाता है वेरी लो टेम्परेचर पे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर, लेकिन हर गैस का अलग अलग कूलिंग टेम्परेचर होता है कन्वर्ट इनटू द लिक्विड की फॉर्म में। कुछ गैसेस -100 सेंटीग्रेड पे लिक्विड में चेंज, कुछ -150 पे, कुछ -200 पे, कुछ -250 सेंटीग्रेड पे भी लिक्विड होती है। तो हर गैस का लिक्विड में चेंज होने का जो टेम्परेचर रखती है वो अलग अलग, किसी का माइनस ज़्यादा, किसी का कम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन दोनों गैस को कूल किया जाता है, कितने, -200 सेंटीग्रेड पे, -200 पे जब इनको कूल करेंगे तो इनमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड -200 सेंटीग्रेड पे लिक्विड में तब्दील हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस -200 सेंटीग्रेड पे लिक्विड में चेंज नहीं हो जाती है। हाइड्रोजन जो गैस है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो अराउंड -250 सेंटीग्रेड,
250 सेंटीग्रेड अगर आप इसको ठंडा करेंगे माइनस में, तो जाके हाइड्रोजन गैस लिक्विड में होती है। -200 पे हाइड्रोजन गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती, ये ध्यान में रख लें, ठीक है। इसलिए दोनों को जब हम -200 पे करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बन जाती है और हाइड्रोजन गैस रिमेन गैस रहती है, जिससे वो अलग करते हैं और वो लिक्विड लिक्विड और गैस अलग हो जाते हैं आसानी से। इसलिए दोनों को कूल करते हैं, ये लिक्विड में और वो गैस में तब्दील हो जाती है, जिससे हाइड्रोजन गैस को हम सेपरेट करते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये कंटेनर है एक, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, इस कंटेनर में कार्बन मोनोऑक्साइड है और प्लस में ये हाइड्रोजन गैस है। हम इसको क्या करते हैं, हम इनको कूल करेंगे, क्या करेंगे, इनको कूल करेंगे। -200 सेंटीग्रेड पे हम इन दोनों गैस को ठंडा करेंगे। जैसे ही दोनों को ठंडा करेंगे तो उनमें से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी ये लिक्विड बन जाएगी और लिक्विड बन के यहां रह जाएगी लिक्विड की फॉर्म। लेकिन -200 सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन गैस लिक्विड नहीं होती, वो रिमेन गैस ही रहती है, वो गैस की फॉर्म में वापस ऊपर चली जाए। तो इससे हाइड्रोजन गैस अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड में, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह तो हमने कहा कि लो टेम्परेचर पे दो गैसेस को सेपरेट किया जाए, मीन्स एक गैस को लिक्विड में करते हैं और दूसरा गैस रिमेन, जिससे लिक्विड और गैस आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा ही कुछ होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड बन जाती है और हाइड्रोजन रिमेन गैस, तो ये अलग और ये अलग सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि ये हाइड्रोजन गैस तो जब अलग हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के चंद मालिक्यूल इस हाइड्रोजन गैस के साथ भी मिक्स हो जाते, मीन्स 100% कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाइड नहीं होते, ठीक है। इनमें से चंद मालिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो गए, वो भी फ्री हो जाते हैं, वो भी हाइड्रोजन के गैस के साथ चले जाते हैं। तो हमने कहा कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजन के साथ अगर एस्केप भी हो जाए, अगर उसके साथ निकल जाए, तो हम उन चंद मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड को हम उस हाइड्रोजन गैस से हम फर्दर भी रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी अगर मौजूद है, अगर बच गई है, लिक्विड नहीं हो सकी अगर हाइड्रोजन के साथ मिक्स है, ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी बहुत मॉलिक्यूल्स अगर हाइड्रोजन के साथ अगर रह गए, तो आर फर्दर रिमूव, हम उनको मजीद भी रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे रिमूव करेंगे, मान लो अगर आपका ऐसा हो जाए कि मान लो ये है लिक्विड, अब आप मुझे बताएं, तो एक्चुअली होगा क्या कि अगर आपने ये हाइड्रोजन गैस सेपरेट कर दिया, आपने अब ये हाइड्रोजन गैस आप सेपरेट करके आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस आ गई सेपरेट, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ये सेपरेट आ गए, ठीक है। उसके साथ हमने कहा कि चंद मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के भी मौजूद है, कुछ ट्रेसेस क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी उसके साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर हम क्या करेंगे कि उस हाइड्रोजन को जिसके साथ चंद मालिक्यूल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के मौजूद है, तो फिर उस हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड के सोल्यूशन से पास करवाएंगे। यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोऑक्साइड का क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड का सोल्यूशन बनाते हैं। फिर इस हाइड्रोजन गैस को जिसके साथ कुछ मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो फिर इन दोनों को क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड समेत क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे। जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ होगा, तो फिर वो सोडियम हाइड्रोऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, तो फिर ये सोडियम हाइड्रोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मिल जाएंगे। और जैसे ही दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगी जिसे हम सोडियम फॉर्मेट सॉल्ट कहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर हाइड्रोजन गैस के साथ चंद मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के रह भी जाते हैं, तो फिर इस गैस को सोडियम हाइड्रोऑक्साइड के साथ मिक्स करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर इस हाइड्रोजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं, मौजूद होंगे, तो फिर वो सोडियम हाइड्रोऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोऑक्साइड के साथ मिल जाएंगे और मिलकर किस में, सोडियम फॉर्मेट में चेंज हो जाएंगे। फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर सोडियम फॉर्मेट बना लेता है, और ये सोडियम फॉर्मेट जो सॉल्ट होता है ये यहाँ सोल्यूशन में ही पड़ा होगा, और हाइड्रोजन गैस आपकी फ्री हो जाएगी, अब इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, तो ये प्योर हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस सेपरेट। हम इस तरीके से हाइड्रोजन गैस में अगर चंद मॉलिक्यूल रह भी जाएं, तो हम उनको मजीद सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, कास्टिक सोडा का सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने लिखा है इक्वेशन कि कार्बन मोनोऑक्साइड सोडियम हाइड्रोऑक्साइड के साथ मिलकर सोडियम फॉर्मेट में चेंज होता है, और ये सोडियम फॉर्मेट पानी में ही रहेगा, और हाइड्रोजन गैस वो फ्री होकर अलग हो जाएगी। इसी तरह हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड थे, ठीक है। तो ये तीन तरीके थे किसमें से, ठीक है। अब चौथा जो तरीका है, ठीक है,
अब उसके बाद क्या होगा कि ये तीन तरीके थे, ठीक है। उसके बाद तीन और भी मेथड है, ठीक है।